हेलो गैस। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना, जो कि झारखंड राशन कार्ड से रिलेटेड है, जो कि ग्रीन से पीएस कार्ड से रिलेटेड वीडियो है। तो गैस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोग किस किस जिले से हैं, झारखंड का किस किस जिले में भी कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम, जिले के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो लगभग लगभग हमारे झारखंड के सारे जिले से नाम आए थे, तो उन लोगों को मैं आज हम इस वीडियो में बताऊंगा, और बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है, ताकि आपका जो ग्रीन कार्ड है वो पीएच कार्ड में कन्वर्ट हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है। तो गैस, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो छोटा सा आप लोगों को काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम और आपका क्या स्टार्ट हुआ या नहीं हमारा वीडियो देखने के बाद, ये आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। गैस, मैं आप लोग को जो वीडियो बताया था, उस वीडियो के तहत अभी हर एक जगह पे स्टार्ट हो चुका है कन्वर्ट होना, और ये कन्वर्ट कौन कर रहा है, हम कैसे करवाएंगे, आज इसी की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। गैस, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, झारखंड के कोने कोने में, हर एक जिले में, झारखंड में जितने सारे जिले हैं, सारे जिले में राशन कार्ड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। महीने के लास्ट में आप लोग को 1 तारीख से बाद 25 से स्टार्ट हो जाता है, और 1 के बाद आप लोग का नाम ग्रीन से पीएच में आप लोग को शो करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं होगा, आप लोग का जो भी ग्रीन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है, इसी के कारण नहीं मिल रहा है, सबका जितना भी ग्रीन कार्ड है सबका पीएच में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट करने के लिए सरकार ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है, ना ही तो आप उसमें कुछ कर सकते हैं, ना ही आप किसी के पास पैसे दे सकते हैं, ना किसी के पास किसी भी तरह से आप खुद से कन्वर्ट नहीं करवा सकते ग्रीन को पीएच में, आपका ऑटोमेटिक होगा। जिस सिस्टम इसका ये है, जिस तरह से आपका राशन कार्ड बना है, अगर आपका बहुत पहले बना होगा ग्रीन कार्ड, जब स्टार्ट हुआ था बनने का, उस टाइम अगर आपका बना होगा तो आपका ग्रीन से पीएच जल्दी हो जाएगा। अगर आपका लेट से बना होगा, हाल फिलहाल ही बना होगा, तो आपका थोड़ा लेट से ग्रीन में से पीएच में कन्वर्ट हो, क्योंकि जो भी है से राशन कार्ड सीरियल नंबर से कन्वर्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, एनआईसी से ऑटोमेटिक, जो कि डायरेक्ट रांची से हेड ऑफिस से ही होता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कितना भी कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट हेड ऑफिस से ऑटोमेटिक किया जा रहा है, और ये टोटल ग्रीन कार्ड है, सबका ग्रीन कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से उठाया जाता है, इस डीलर से लगभग 10, उस डीलर से 10, उस डीलर से 10, जिस तरह से बना हुआ है कार्ड उस तरह से सीरियल नंबर से कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको इंतजार करना है, आप अपना राशन कार्ड के नंबर से आप लोग चेक करें, आप लोग का राशन कार्ड का जो पीएच में कन्वर्ट होगा वो नंबर भी आप लोग का सेम ही रहेगा, बस केवल जहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है वहाँ पे पीएच कर दिया जाएगा, और आपको उसी से राशन मिलेगा। आपका अगर राशन कार्ड प्रिंट होके आया है तो ग्रीन के जगह आप पेन से भी कट करके वहाँ पीएच कर सकते हैं, और मार्कर वगैरह से, और अपने डीलर के पास जाके राशन अपना उठा सकते हैं। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।